फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के जितने भी तमाम युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं उनके साथ ये लाइव मैं साझा कर रहा हूं। देखो अब चेक करो, साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार, फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रात्रि के 9 बज चुके हैं और आज का जो लाइव है जिसका मुख्य उद्देश्य है वो राजस्थान के तमाम युवा साथियों के से जुड़ना है। आप लोगों को पता नहीं है तो आपको अवगत करा देता हूं कि रीट शिक्षक भर्ती 2021, जेएन भर्ती, एसआई भर्ती, कॉलेज लेक्चरर भर्ती और कॉलेज लेक्चरर के अलावा पुरानी दो भर्तियां और, जिस पे एक बड़ी एक्सक्लूज में खुलासा करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में, जो सारी बातें उन चीज़ों को रखने जा रहा हूं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े गेम की बू आ रही है। राजस्थान का तमाम युवा बार बार सीबीआई जांच के बारे में बोल रहा है, लेकिन ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों राजस्थान का युवा सीबीआई जांच के बारे में बोल रहा है, क्यों मांग उठा रहा है और किस प्रकार से सरकार इन जैसे बहुत सारे बत्ती लालों को बचाने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा राजस्थान में के जितने भी युवा साथी है उनसे चर्चा होगी, बीएड बीएसटीसी जो विवाद है उस पर भी। क्षेत्रमल जी 2016 पे भी मैं बोलूँगा, 2016 की जो भर्ती है जिसकी एक और सूची जारी करवाने को लेके हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा रोजाना लाइव आया करो दोस्तों, कई बार समय अभाव की वजह से नहीं आया जाता और कुछ काम भी होते हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जो जिनको टाइम तो होता नहीं है, वो कुछ भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं बात उन भर्तियों की भी रखूँगा, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण है राजस्थान के तमाम युवा तक आप इस बात को पहुँचाए, फर्स्ट ग्रेड नवंबर दिसंबर, फर्स्ट ग्रेड का क्या करोगे दोस्तों, जो फर्स्ट ग्रेड में बहुत बड़ा खेल हो रहा है। देखो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, एक बार राजस्थान के तमाम युवा साथी जुड़ जाते हैं इस लाइव के माध्यम से, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, भजन लाल, बती लाल, पृथ्वी, रवि, न जाने कैसे कैसे नाम इस रीट ने आप लोगों को सुना दिए हैं। और कितने नाम ऐसे हैं जो भंवरलाल जैसे, जो चप्पल कांड वाले जैसे, उनका नाम चुप कराया जा रहा है। एसआई भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हुआ है बीकानेर में, जिस प्रकार से पेपर सॉल्व होके आ रहा है पाली से, उसको चुप कराया जा रहा है, उसका नाम नहीं आया जा रहा है, मीडिया में भी नहीं उछाला जा रहा है, किस वजह से? अब जो मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं वो एक बहुत पत्ते की बात है। राजस्थान के तमाम युवा साथी जितने जुड़ रहे हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा युवा तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपका करियर चौपट होने जा रहा है। आपके करियर का सवाल, या तो आप कुछ भी करते हुए कुछ भी करते रहे जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जब फर्क नहीं पड़ रहा है तो किसी को नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात ही है। एक पुस्तक जिसमें कॉलेज लेक्चरर, ये तो सबने अखबार में पढ़ा है, जो कोई नई चीज निकाल के लेके आ रहा हूं, आप लोग जितने भी युवा साथी जुड़ रहे हैं उस बात को गौर से सुनना। एक पुस्तक, एक पब्लिकेशन है, प्रसिद्ध पब्लिकेशन है, एक प्रोफेसर है जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है। महत्वपूर्ण बात सभी को पता है कौन सी पुस्तक है, महत्वपूर्ण बात है कि कौन से प्रोफेसर द्वारा लिखित है, किन किन लोगों ने कार्य किया है और क्यों महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के। कई बार कह देते हैं ना कि चलो इस टीचर ने गेस बताया था, आ गया, प्रश्न पढ़ गए, सभी का पेपर अच्छा हो गया, ये कोई बात नहीं है। अब जो महत्वपूर्ण मैं बात करने जा रहा हूं वो आप सभी गौर से सुने। राम सिंह आढ़ा प्रोफेसर है, उनकी लिखित पुस्तक है जो अब वर्तमान में विवादों में चल रही है, पॉलिटिकल की पुस्तक है, गेस्ट पेपर भी उन्होंने निकाले थे स्पेशल टीचर के, जितने भी 2018 के युवा साथी है, केस दोनों टाइप से है,
मैं आपकी बात रखूँगा, जो समकक्ष योग्यता वाले हैं और उस प्रकार से सारी बातें मैं जल्दी आप लोगों के बीच में रखूँगा। आप पहले मेरी बात समझे, राम सिंह आड़ा जी की पुस्तक है, जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, अच्छे अनुभव है, अच्छा नॉलेज है, पुस्तक इनकी निकली। इनके अधिकृत किसी व्यक्ति ने पीएचडी की है, नाम है डॉक्टर विकास सिंह। नाम सुन लीजिए, सभी को पता होगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वो सहायक लेखक भी है इस पुस्तक के, पॉलिटिकल के। अब इस पुस्तक जो विवादों में आ रही है वो 30% के लगभग कोर्स कवर कर रही है और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 200 में से 148। सत्तर% क्वेश्चन से अभव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये आपने न्यूज़ों में पढ़ लिया शायद तक। अब जो मैं नाम बता रहा हूं विकास सिंह, डॉक्टर विकास सिंह की बारे में, कि विकास सिंह की पत्नी भी 2018 फर्स्ट ग्रेड में चयनित हुई है, 2018 फर्स्ट ग्रेड में इन्हीं की पुस्तक से प्रश्न पढ़े हैं, चर्चा में भाई है, पहले भी प्रश्न पढ़े हैं। चलो प्रश्न पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ईमानदारी से पुस्तक होती है। अब इस प्रकार प्रश्न पढ़े हैं, ध्यान रखे, इस कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम विकास सिंह ने भी दिया है, इसके साथ सहायक लेखक मनीषा चारण ने भी दिया है। यह भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई लेखक होता है किसको अच्छा अनुभव होता है, उनकी पुस्तक से प्रश्न पढ़ गए, उन्होंने प्रश्न उन्होंने एग्जाम भी दे दिया, अभ्यर्थी है। अब ध्यान देने की पत्ते की बात मैं बताता हूं, एक और कॉलेज लेक्चरर है जो पूर्व में चाक्षु में थे, चाक्षु से वर्तमान में बगरू जैसे क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया है, वो अपने स्टूडेंट को सजेशन करते हैं कि ये पुस्तक पढ़नी है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, स्टूडेंट को कर दे कोई बात नहीं है, कुछ खास खास स्टूडेंट को। और इनका संबंध मैं बताऊंगा, एक जो कॉलेज लेक्चरर है इन्होंने इस पुस्तक का प्रचार किया है, लेकिन इनका संबंध सीकर की एक नामी कोचिंग से है, गिर को कर दे कंठड़ा हिरण कशो गीखाए, आप चले पूर्ण भगे घोड़े सु आगे जाए। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ये हिरण बिना घी खाए आप लोगों से आगे जा रहा है। सिक्कर की वही नामी कोचिंग जो आप सभी को पता है, जिससे किसके संबंध है, उसमें पढ़ा चुके हैं, सेमिनार कर चुके हैं, उनमें प्रचार कर चुके हैं, उस कोचिंग में इस पुस्तक का प्रचार कर चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड की इस पुस्तक का। चलो प्रचार कर देते, कोई टीचर कह देता है, लेकिन उसी कोचिंग से कड़ियां जुड़ रही है, एसओजी चुप बैठी है, हम कराएंगे शिकायत। इनकी भूमिका के पे, इनकी जो वाइफ का जो सिलेक्शन हुआ उसकी भूमिका पे, इनकी खुद की भूमिका पे, इनका क्या क्या रोल है, किस प्रकार से ये पुस्तक से प्रश्न आ रहे हैं। अभी और बात सुनो, बड़ी बात एसओजी के बारे में, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018। अब जो आस रख रखी है एसओजी जांच करेगी, पकड़ रही है, धर पकड़ कर रही है। अरे वह लोग पकड़े जा रहे हैं जिनकी पकड़ उतनी है, जो मोटी मुर्गी नहीं पकड़ी जा रही। अब एसओजी की भूमिका समझे आप, एसओजी ने लाइब्रेरियन भर्ती में जो पहली रिपोर्ट बनाई है उसमें स्पष्ट तौर से उल्लेखित है कि पेपर आउट हुआ है। मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे पास किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा यह रिपोर्ट आई है, और यह ओरिजिनल रिपोर्ट है जो गोपनीय होती है, जल्दी सार्वजनिक की जाएगी सभी के बीच। पहली रिपोर्ट में पेपर आउट माना गया है, किस प्रकार से व्यक्ति के पास पेपर पहुंचा, पेपर आउट माना गया। दूसरी रिपोर्ट जो कोर्ट में, जो फिर क्या होता है,
ये भर्ती रद्द होनी थी, लेकिन न जाने किस मंत्री जी के किस अधिकारी को दिक्कत हो रही थी, सभी को पता होगा, नहीं है तो मैं बताऊंगा, उन्होंने एसओजी की जांच अधिकारी को चेंज कर दिया गया, नए एसओजी के जांच प्रमुख आ गए, नई रिपोर्ट बनी और पारदर्शिता से परीक्षा पूरी हो गई। कोर्ट ने भी कह दिया एसओजी कह रही है सही कह रही है, जांच हो गई। किस प्रकार की आप न्याय की उम्मीद करोगे दोस्तों? कॉलेज लेक्चरर में इस प्रकार की बातें आ रही है, स्कूल लेक्चरर में जब आंदोलन था, युवा एग्जाम से टाइम मांग रहा था तो जल्दीबाजी में एग्जाम करवाया गया हठधर्मिता की वजह से, एक ही सेंटर से 300 से अधिक लोग चयनित हुए, कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब कुछ भ्रष्ट हो रहा है, जो बोलता है उसके खिलाफ माहौल तैयार कर दिया जाता है, और एक तो ऐसा दलाल तैयार कर दिया आप लोगों के लिए जो खुद आपके से कुछ और बात करता है और अंदर जाके कुछ और बात करता है। ऐसे दलालों से भी सावधान रहना दोस्तों, वो आपको फिर से गुमराह करने के लिए मैदान पे आ रहा है। धमाका होगा एक एक चीज का, मैं सबूत तैयार कर रहा हूं दोस्तों। कई लोग कह रहे हैं ना असलम चौकदार चुप बैठ गया, चुप नहीं बैठा है, बड़ा धमाका मिलेगा, ये सरकार तक हिलेगी। आप लोगों को आज ही बता रहा हूं कि जो मैं काम कर रहा हूं उसको आप लोगों को क्लियर मिलेगी। और कई लोगों को जो जलन होती है ना, जो अपने संस्कार दिखाते हैं मेरे कमेंट में, जिन लोगों ने पेपर वेपर खरीदा होगा, दर्द तो हो रहा होगा क्योंकि रुपए लगे हैं, क्योंकि उनके घर वालों के संस्कार ही ऐसे हैं, घर वालों ने ऐसे ही कहा होगा। देखो दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर के बारे में पेपर आता है, 70% से अधिक क्वेश्चन एक गाइड से पढ़ते हैं, फिर भी एसओजी के पास इस प्रकार की बातों को कोई जांच नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है इस बुक का, वो उस नामी कोचिंग से जुड़ा हुआ है, जिस कोचिंग का नाम आप सब जानते हैं, पढ़ाया हुआ है उस बंदे का, नाम भी सार्वजनिक करूंगा, इंतजार करें दोस्तों। भजन लाल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, नहीं जाने कितने जगह उसने भजन गाए हैं। 3:45 पे पेपर, पहले तो 8:30 था, अब 3:45। मंत्री जी कह रहे हैं पेपर लीक तो हुआ है, वायरल नहीं हुआ है। लीक अगर 6-6 घंटे पेपर में आपको मिल जाए तो आप मुझे बताओ 150 में से आप 149 भी नंबर ले आओ क्या? आप 150 में से 150 लेके आओ, कल को मत बोलना कट ऑफ आई जाएगी तो, जाएगी तो मुझे मत बोलना कि भाई साहब कुछ करो, आप अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा दोस्तों, बाहर आना पड़ेगा, आप बड़े आंदोलन की तैयारी कर लीजिए, आप लोगों को पूरी सूचना मिलेगी, आप लोग इंतजार करें गुमराह होने से बचे। रीट भर्ती में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है, एसआई को चुप कराया जा रहा है, एसआई में बीकानेर में पाली जाता है पेपर, सोलो होता है, बीकानेर आता है, 5-5-6 घंटे लग जाते हैं, एसपी महोदय कह देते हैं कि इस प्रकार के पेपर बहुत सारे लोगों के बीच में जा चुका है, फिर भी चुप, उतने लोगों को गिरफ्तार कर दिया, चुप, कहानी बंद, कोई जांच नहीं, जितने को कर लिया वो कर लिया, यार कैसे कर लिया, हमारे तो निजी आदमी थे, 150 लोगों के खिलाफ आज तक इस प्रकार के मामले आए हैं, सजा एक कोई नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, कौन बचा रहा है, कौन सुखदार बचा रहा है? अगर मैं बताऊं ना, यहां पर सीबीआई जांच हो जाए ना तो मरोड़े कहीं और चलने लग जाए। और आप लोगों ने सुना था हरियाणा में सीबीआई जांच हुई थी, पता है ना आप लोगों को, चौटाला परिवार से क्या कहानी हुई है दोस्तों। न्याय के लिए धमाका जरूरी है, आप लोग सब साथ दे, पूरी चीजें मैं आपको बात रखूंगा, रीट लेवल फर्स्ट का ही बता देता हूं पहले आपको, बीच में 26 तारीख को कोर्ट में हीरिंग है बीएड बीएसटीसी विवाद को लेके,
मैं कहता हूं बीएसटीसी का तो विवाद ही खत्म हो रहा है, आप चिंता ना करो, पूर्णतया जीतेंगे दोस्तों, दावे के साथ कह रहा हूं। जिन लोगों ने हरकतें करने की कोशिश की वो करने दीजिए, पूरा जोर लगा लीजिए, आपसे जितना किया जाए अनशन जो आप कर रहे हो बेवजह, गुमराह हो रहे हो, जो लोग गुमराह करें, सिर्फ जो लोग वही गुमराह कर रहे हैं ना, जो अनशन वनशन का ड्रामा रच रहे दो दिन पहले बाहर कर रहे थे, कर दो बाहर, एक को बाहर नहीं होने दिया असलम चौकदार ने। सब एग्जाम में बैठे हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी एक बड़े से बड़े एडवोकेट की टीम को उतार के खड़ी कर दूंगा, पूरा यहाँ पे आप लोग वेट करते रह जाओगे किस प्रकार से ये एडवोकेट की टीम जब आप लोगों के सामने आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से सीनियर एडवोकेट लाके अपने एडवोकेट के उतार दिया है, अब आप सरकार से बढ़िया पैरवी के लिए मंगवा रहे हो। अरे एजी से बढ़िया है तो एजी पे विश्वास नहीं तो इस्तीफा दिला दो एजी को ही, आपको पता है कुछ नहीं है आपके पल्ले। मैंने पहले यह सोचा था कि हो सकता है इनके हक में अपन एक एफिडेविट दे सकते हैं कि चलो पिटिशनर को अलाउ करते हुए, लेकिन अब पूरे जी जान से लड़ूंगा। आप याद रखना आप लोगों ने जो हरकतें कर रहे हैं आप किसी के लायक नहीं हो, आप शिक्षक बनने के लायक नहीं हो, अभी योग्य नहीं हो। और जो कह रहा था 137 पप्पू, वो 137 बना तो पप्पू बना रहेगा, तू चिंता मत कर। किरोड़ी बाबा एक बड़े प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, आप इंतजार करें, अभी मैं आप लोगों के बीच में साझा नहीं कर सकता दोस्तों, कई चीजें हैं इस लाइव के माध्यम से। अनिल कुमार सऊ ने लिखा चौटाला से हूं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और बीएसटीसी के जितने भी युवा साथी जिंदाबाद बोल रहे हैं और बोलिए, मैं ये चाहता हूं जोर की जिंदाबाद बोले, आप जो नारे लगा रहे थे आज दिल खुश हो गया, आज जो आपने प्रसन्न किया, आज मैं शहीद स्मारक पहुंचा था दोस्तों, जितने भी लाइव देख रहे हैं मुझे, हरपाल जी दादरवाल हमारे जो शिक्षक नेता है उनका जो सत्याग्रह था वहां पहुंचा था, लेकिन कईयों को शायद तक हजम नहीं होता। चलो बहुत बढ़िया है, लेकिन बीएड वाले एकजुट हो रहिए। और दूसरी बात और बता दी जा रहा हूँ दोस्तों, जितने भी युवा साथी बीएड वाले हैं सभी मुकेश जी सिंपा इनकी टीम को सपोर्ट करें, नंबर आपको कमेंट बॉक्स में आपको मुकेश जी के हैं, एक साथ जुड़े आप लोगों की आवश्यकता है आप लोग, वरना 130-135 नंबर बना के आप घर बैठे रहना, आप लोग जरूर साथ आए एकजुट होइए तभी हम जीत पाएंगे। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रखा हूं, हर तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप ये कतई मत सोचे कि वो आ जाएगा अपने आप हो जाएगा तो अपना हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, आपको साथ आना पड़ेगा, हर जिले से हर तहसील से आप लोगों को साथ आइए, आप लोग साथ आएंगे तभी मैं मजबूत होऊंगा, आप लोगों के साथ होने से ही ये चीजें मैं आगे बढ़ा पाऊंगा। दोस्तों एक बार और बताता हूं, एडवोकेट गोपाल जी नमस्कार, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों जितने भी युवा साथी अपने तहसील स्तर पर जिम्मेदारी तय करें, बीएड को बचाना है और आगे बढ़ाना है, आपकी पीढ़ी आपको याद रखेगी, मैं कहता हूं आपके जो प्रयास में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा, आप लोग एकजुट हो जाइए, बीएड जिंदाबाद, आप जितना बोलते हो उसका मुझे भी फल मिले, मैं ये चाहता हूं कि आपका जो मैं जो प्रयास जो मुहिम लेके चला हूं, क्योंकि पप्पू जी तो भाग गए पता है ना आपको, और दम है तो आ अपने स्टैंड पे क्लियर रहे, मैंने जो स्टैंड किया था उस पे खड़ा हूं, आगे की कार्रवाई वेट करे दोस्तों, गुमराह होने से बचे। बीएड वाले तैयार है, ये कमेंट नहीं चाहिए मुझे, बीएड वालों का साथ चाहिए, एकजुट होइए, आपके सहयोग की मैं अपेक्षा कर रहा हूं, हमें हरीश जी सालवे को उतारने की पूरी तैयारी कर रहा हूं दोस्तों, आपके बिना नहीं उतरेंगे। मुकेश जी से आप बात करें, सभी तरीके से आप जुड़े, आपको कमेंट में नंबर है मुकेश जी के। और दोस्तों एक बात और सुन लीजिए, कोई कितना भी कुछ कर ले आपको गुमराह करने वाले, इन लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। ये कह रहे थे ना सीएम से मिल के आ रहे हैं, अरे तुम अपने पप्पू से मिल आओ, अपने पप्पू को ही बुला लो, कलारा मिल लेना उससे, सीएम की बस की बात नहीं, आपके पप्पू से मिल लो, वो भी आपसे मिलना नहीं चाहता पब्लिकली, दम है तो मिलवा लेना, ओनली 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 नहीं चलेगा, आप पूरे राजस्थान को बुलाओ,
पूरा हंगामा खड़ा करो, क्योंकि न्यायपालिका भावना में बहकर फैसले नहीं देती है, ध्यान रख लेना। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा है कि लेवल प्रथम में बीएड वाले योग्य है, क्वालिटी एजुकेशन के साथ हम समझौता नहीं कर सकते, और क्वालिटी एजुकेशन ही है, ब्रिज कोर्स होगा, चिंता मत कीजिए। और दूसरी बात और सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है एनसीटी पावर ऑफ अथॉरिटी है योग्यता निर्धारण करने में। 2011 में जिस मामले को लेकर आप कह रहे हो ना, बीएड वाले को बाहर कर दिया था, सुन लीजिए, हर व्यक्ति को सुना दीजिए, उन बीएसटीसी वालों को भी सुना दीजिए। 2011 में सरकार साथ थी बीएड वालों के और एनसीटी खिलाफ थी, अब 2020 में वही इतिहास में सरकार बीएसटीसी वालों के साथ है और बीएड वालों के साथ एनसीटी है, एनसीटी पावर ऑफ अथॉरिटी, पता है ना आप लोगों को। मार लो जोर जितना दम है, लगा लो जोर, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार है। और थोड़े दिन नहीं, पूरी की पूरी चलेगी, जो आप लोग कमेंट डाल रहे हो ना और मजबूत कर रहे हो, डालो अपने कमेंट, जितने भी बीएसटीसी के जितने भी युवा साथी हैं वो कमेंट डालो। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के कमेंट आपके परिवार वालों को, आपके घर वालों को, सबको दिखे। आप जो कमेंट करते हो ना, आपसे जितने फेसबुक फुक से जुड़े हुए हैं सबको जाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो औकात है वो सब आपके सामने आ जाती है। और जितने भी युवा साथी है जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया है, आपकी उम्मीदों को मैं जिंदा रखूँगा दोस्तों, और खरा भी उतरूँगा। चिंता ना करें दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती लेवल सेकंड चाहिए लेवल फर्स्ट, स्ट्रांग रूम पे बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत अच्छा लिख रहे हो। जितने भी आईपी एड्रेस सारे ट्रेस करवा रहा हूँ सबको, जितने भी लीगल नोटिस सभी को जा रहे हैं, जो लिख रहे हैं उनको सबको जाएंगे, चिंता ना करो। याद रखो आप कि क्या होगा क्या नहीं होगा, देखो दोस्तों रीट के जितने भी युवा साथी है, जो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है, इस बात को आपको समझना जरूरी है। और दूसरी JNSI इनको भूलना नहीं है, हम एक सूची तैयार कर रहे हैं, SOG को सौंप रहे हैं, सारी चीज़ों को काम कर रहे हैं, उसी के आधार पे हम फैसला ले रहे हैं। आप लोगों के सामने एक बड़ा धमाका मिलेगा, आप निश्चिंत रहे, हर चीज़ों को पब्लिकली नहीं करते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जितने मेरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, BSTC बंद हो रही है दोस्तों, आपको पता ही नहीं है क्या? नहीं नहीं तारानगर से नहीं हूं, अभी जयपुर हूं। पंजाब के जितने भी बीएड साथी है, एकजुट रहिए, चिंता ना करिए, ऐसा कोई भी न्यायालय नहीं है जो आपको बाहर कर सकता है। मैं आपके लिए भी टीम उतार दूंगा निश्चित तौर पे। और नई शिक्षा नीति में DLT कोर्स बंद है ही, बिल्कुल सभी को आप निश्चित तौर पे, जो मैं बात कह रहा हूँ वो मैं करता हूँ दोस्तों। मैंने आप लोगों को कहा बीएड वालों को बिठा रहा हूँ तो मैं बिठाया, मैं आप लोगों को कहा किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं वो काम किया। आप लोगों के बीच में सारी बातें रखी है तो सारी बातें मैंने क्लियर करवाई है। 2016 गणित विज्ञान की एक और सूची निकालने के लिए जितने भी युवा साथी मेरे से, आप लोगों मैं पूरा प्रयास करूंगा, चिंता ना करें, लगभग 400 से अधिक सीटें खाली रहेगी। कई लोगों को लगता है कि सरकार इनका पक्ष लेगी, तो भूल जाइए, सरकार पक्ष लेते तो 3 दिन हो गए आपको, बुला लो सरकार को, सरकार को फिर हम देखते हैं किस प्रकार आप बुलाते हैं, बुला लो, रहो 5-7-10-15 दिन भूखे रहो, थोड़ा थोड़ा क्या आप लोगों ने जो पचाया है वो निकल जाए, बहुत सारा खाया है उसका निकले। लेकिन उन व्यक्तियों के साथ मेरी संवेदना है जो सच के साथ खड़े हैं, BSTC का प्रत्येक व्यक्ति अगर सही विवाह में अगर आप काम करते तो मेरी संवेदना है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने संवेदनशील जो कार्य किए हैं उसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि छोटे बच्चे हैं उनको मैं माफ़ करता हूँ। आप लोग कुछ भी करें, कोर्ट केस हम अपने हिसाब से देख लेंगे। क्या चीज है, और जितने भी युवा साथी बीएड वाले शामिल हो रहे हैं ना, आप लोगों को अच्छे अंक है, आप जरूर मुकेश जी से बात करें और याचिकाकर्ता आप जरूर बने।
कहीं रिस्क ना ले अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए। आप सभी लोग मेरे से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल पंडित उमेश सिकवाल जी लिखा है कि आपके कॉन्फिडेंस के आधार पर मैंने लेवल प्रथम की तैयारी की है। पंडित जी निश्चिंत तौर पर रहे, आपका भाई आपके लिए हर संभव प्रयास करेगा और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। शिवरात्रि शिवरात्रि शिवरात्रि।